सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द रेशम आयस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में गाइस, न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो में जो आज हम आर्टिकल की बात करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस में से है और जसप्रीत बिंद्रा जी का आर्टिकल है ये। द एरा ऑफ फ्री डेटा इज ओवर। तो टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन के बारे में और सेंसर के बारे में बहुत बार हमारे आर्टिकल्स के अंदर बात हुई। फॉरेन अफेयर्स के कई आर्टिकल्स हमारे हैं पहले जो हमने दिए हैं, आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आज इस आर्टिकल में एक बार वही बात है कि अक्रॉस द वर्ल्ड द लॉ इज़ कमिंग फॉर बिग टेक, कि बिग टेक मोनोपोली जो आपके बिग टेक इंडस्ट्रीज़ हैं जो डेटा माइन करती हैं बहुत ज़्यादा, तो डेटा प्राइवेसी गाइडलाइंस को कई बार वायलेट कर देती। यही कारण है कि हमारे जो लोग हैं खास करके इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो डेटा को लेके बहुत इशू रहता है आपका। गवर्नमेंट्स भी हाल ही में, मतलब जब बिल नया उन्होंने लॉन्च किया तो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन के ऊपर बहुत बात हुई कि वो जो बिल है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल देता है बल्कि लोगों के डेटा का। और आप किसी भी एजेंसी को अलाउ करते हो, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को अलाउ कर रहे हो। और अगर हम बात करें हमारे डेटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो आपने वो भी फाइनली अब बंद कर दिए। तो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब आई उस बिल के ऊपर, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, हमने उसके भी आर्टिकल्स दिए खैर आपको कहीं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भैया पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि बिग टेक के लिए जो लॉ है दैट इज़ कमिंग। तो आप ये कहना कि मतलब फ्री डेटा का जो दौर है दैट्स अबाउट टू बी डन। तो चलिए पूरी बात को समझते हैं फिर क्या बात है। द US इज अ फ्रैक्चुअस नेशन वेयर ऑल 52 स्टेट्स रेयरली एग्री ऑन एनीथिंग and the two major political parties agree on nothing at all. So however, there is one piece of legislation making its way, कह सकते हैं हम, through the political system where the Democrats, Republicans, Senate and Congress seem to be concurring with each other. और वो है ADPPA, या फिर यूं कहें American Data Privacy and Protection Act, which promises to radically transform the US data privacy and protection landscape altogether. So when made into law, a covered entity may not collect, process or transfer covered data unless the collection, processing or transfer is limited to what is reasonably necessary and proportionate to achieve one of the 17 allowed purposes, जो उन्होंने उस कानून में डिफाइन किए हैं, वो भी एक कवर्ड एंटिटी, और वो भी अगर तभी कर सकती है अगर कवर्ड डेटा है तो। एंड इट विल ऑल्सो बैन द यूज ऑफ सेंसिटिव डेटा लाइक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड जियोलोकेशन, बैन टारगेटिंग माइनर्स एंड इवन नॉट अलाउ द एक्सेप्ट ऑल बटन्स दैट द यूरोपियन GDPR हैज़ मेड यूबिक्यूशियस। कि वहाँ पे तो खैर उन्होंने मतलब ओवरऑल सब ने यूरोपियन यूनियन के अंदर तो बना रखा है, ये जो GDPR हैं वो उनके रूल्स हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो वहाँ पे उन्होंने बना रखा है। अमेरिका ने फाइनली ये बिल आपका अब लॉन्च कर दिया, अमेरिकन डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन एक्ट। एक्सेप्ट ऑल का होता है ना कई बार कि ऐसे हमें टिक बॉक्सेस के लिए पूछा जाता है वेब के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। और US जो है इसमें अकेला नहीं है। वाइल द GDPR सेट द ट्रेंड, शुरुआत उन्होंने की थी, Even the UNCTAD reports that 80% of all countries in the world have a data protection and privacy legislation or are putting one into effect jinke paas nahi hai. So not all of these laws are as strong as in the US, Europe or Australia. The ones in China and Brazil are considered moderate, while interestingly the ones in India and South Asia are fairly limited in their scope. So most of them, including the US and Indian ones, were legislated recently. हम भी लगे हैं पिछले 3-4 सालों से, पर पिछले साल हमने जब ड्राफ्ट को वापस लिया था तो उसके बाद फिर हमने लॉन्च किया। फिर अब जो हमारा आया, मैं उसी के बारे में बात आपसे कर रहा था कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को आपने अलाउ कर दिया है, मतलब डेटा प्राइवेसी को लेके मतलब बहुत प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए थी उतनी ऑफर हुई नहीं खैर। So there is a reason why countries are falling over themselves to control and manage data, because it is only lately that data has been thought of as a valuable resource as well as a potent weapon, and governments like to own and control resources and weapons.
यही कारण है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट मोनोपोली है तो वो थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है, आपका रेगुलेशन या लेजिस्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोगों का डेटा है वो कहीं मिसयूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी सो कॉल्ड प्राइवेट प्लेयर के द्वारा या फिर बिग टेक के द्वारा। हिस्टोरिकली अगर देखें, द ग्रेटेस्ट वेल्थ हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हार्नेसिंग एंड एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। द फर्स्ट बैरन्स एंड लॉर्ड्स वर दोज हु ओन्ड एंड कंट्रोल्ड लैंड एंड हैड सर्व्स एक्सट्रैक्ट एग्रीकल्चरल वैल्यू आउट ऑफ देम। यही कारण था कि अगर आप यूरोप में देखें, फ्यूडलिज्म इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ क्योंकि जो वहाँ पे लैंड बेस्ड एरिस्टोक्रेसी बनी है, जो लैंडेड क्लास आपकी बनी है, उन्होंने लैंड की वैल्यू को पहचाना, इस्टेट्स के ऊपर अपनी ऑनरशिप जमाई और सदियों तक स्लेव्स बना के रखा उनके नीचे काम करने वाले किसानों को, और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते रहे और बेचते रहे। सो टिम्बर वॉज द नेक्स्ट लॉजिकल रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉयटेड। रेल रोड्स कंस्ट्रक्टेड ऑन वर्चुअली फ्री लैंड बिल्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैरन्स हु वर फॉलोड बाय माइनिंग मैग्नेट्स स्कूपिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। टाइम टू टाइम मतलब चीज़ें बदलती गई। नेचुरल रिसोर्स जिसकी ज़रूरत दुनिया में सबसे ज़्यादा महसूस हुई, उस रिसोर्स को जो बंदा कंट्रोल करता या फिर जो कॉरपोरेट कंट्रोल करता, उसी की जो मतलब एक कह सकते हैं कि आप ऊपर इफेक्ट है, वो उसका बन जाता। ह्यूज वेल्थ वॉज अमेस्ड बाय कलोनियल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। वो दरअसल कलोनियलिज्म का मतलब ही यही है कि वो हमारे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने ही आए थे। खैर, एंड देन केम ऑयल। उसके लिए लड़ाइयाँ हुई, बॉर्डर्स रीड्रॉन, फॉर्च्यून्स बिल्ट, एंड ओशंस ओवर रन ओवर ऑयल। एंड नाउ डेटा हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड द न्यू ऑयल एंड फ्यूचर वर्ल्ड पावर्स विल बी क्रिएटेड ऑन द बैक ऑफ डेटा। वही जैसे नेचुरल रिसोर्स की बातें हो रही है ना, तो आज डेटा को परसीव किया जाता है कि वो एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कह सकते हो आप खाना है उन सो कॉल्ड भूखे लोगों के लिए, कंट्रीज के लिए जो फीड कर रहे हैं उसके ऊपर। सो चाइना ब्रॉट इट्सेल्फ इनटू कंटेंशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ इट इज़ सेपरेटिंग इट्सेल्फ फ्रॉम द पैक बाय लेवरेजिंग डेटा एंड एआई। व्लादिमीर पुतिन इवन हैज़ फेमसली रिमार्क्ड दैट द नेशन दैट लीड्स इन एआई विल लीड द वर्ल्ड। एंड द यूएस इज़ वेजिंग वॉर बाय चोकिंग ऑफ चिप्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल एआई फ्रॉम देयर जियो पोलिटिकल फोर्स जस्ट लाइक चाइना। द कंट्रीज आर लेट टू द पार्टी दाव। बिग टेक डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ डेटा मच अर्लियर एंड द गूगल्स फेसबुक्स एंड टेंसेंट्स हैव बिल्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनीज एक्सप्लॉयटिंग इट। बट मच लाइक ऑयल, डेटा हैज़ बीन यूज एज अ वेपन टू इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स, फेकिंग न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का जो कैंपेन है, तो एक टूल के साथ साथ मतलब एक वेपन की तरह भी लोग डेटा को मिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन मेडलिंग अगर आप देखें, यूएस के अंदर इलेक्शन मेडलिंग जो है वो हुई है। सो इन दिस इंटायर सिनेरियो आप कह सकते हो कि इंडियन सिचुएशन इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया एंड चाइना आर परहैप्स द ओनली टू लार्ज कंट्रीज वेयर डिजिटाइजेशन एंड डेटा हैव हैपेंड एट पॉपुलेशन स्केल। इतने बड़ा स्कोप है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो डेटा जनरेट हो रहा है वो चंक्स में जनरेट हो रहा है, बल्क में जनरेट हो रहा है, और डिजिटाइजेशन भी बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। द बिग डिफरेंस इन इंडिया इज़ दैट कि इट हैज़ हैपन्ड विद लार्ज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जैसे कि डिजिटल स्टोरीज ऑफ द वेस्ट एंड इवन चाइना आर लार्जली प्राइवेट एंटरप्राइज लेड। इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि गवर्नमेंट लेड डिजिटलाइजेशन जो हुई है वो थोड़ी सी रेगुलेटेड है, थोड़ा चेक्ड है, और अच्छा है, बल्कि बेटर है इन कंपेरेटिव टू पूरी दुनिया में। द इंडियन डिजिटाइजेशन स्टोरी हैज़ बीन ब्रेथ टेकिंग इन इट्स स्कोप ऑफ स्केल। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लगाइए, जैसे आइडेंटिटी में देखें तो आधार, पेमेंट्स में देखें तो UPI जो हमने अब किया है, पूरी दुनिया दीवानी है आधार और UPI की। एंड द अपकमिंग नेशनल हेल्थ स्टैक जो हम जनरेट कर रहे हैं, जिनमें हम डिजिटल हेल्थ IDs बनाने की बात कर रहे हैं, या डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन जो हम लॉन्च कर रहे हैं, और जो हम ओपन नेटवर्क अभी हमने लॉन्च किया है डिजिटल कॉमर्स के लिए, जो कि इंडिया स्टैक के ऊपर बना है, हैव बिगन टू ट्रांसफॉर्म इट्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्रेस्टिकली। तो ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो डिजिटाइजेशन की भारत की स्टोरी है वो बिल्कुल आपकी रेग्रेसिव ही है। नहीं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं ये आधार आपके या UPI आपका, या जिसे हम ओवरऑल इंडिया स्टैक भी बोलते हैं, जिसका पूरा वर्ल्ड मतलब आज की डेट में कायल है, और वो इतने बड़े स्केल के ऊपर
इन पॉलिसीज़ को अपने मुल्क में भी लॉन्च करना चाहता है। जैसे कोविन इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, पूरी दुनिया में हमने उस प्लेटफॉर्म को ओपन एंडेड बना के अभी दिया है। सो इंडिया एज अ कंट्री एंड द इंडियन कंज्यूमर आर लीप फ्रॉगिंग द वर्ल्ड इन डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी विद द गवर्नमेंट ट्रीटिंग दीज एज डिजिटल पब्लिक गुड्स। द स्केल एंड रिचनेस ऑफ कंजम्पशन, डेमोग्राफिक एंड इवन पर्सनल डेटा बीइंग जनरेटेड इज मैसिव एंड देयर इज एन इमेंस स्कोप टू लेवरेज दिस। अब अगर पॉजिटिव में कर लिया तो देखिए ये इतना ड्रैकोनियन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव वे में जिसके कोई एंड्स नहीं है, पर अगर यही लेवरेज आपकी गलत सिनेरियोज में है तो फिर वो मिसयूज भी है। सो नंदन नीलेकनी द आर्किटेक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव टॉक्स ऑफ इंडियंस बिकमिंग डेटा रिच बिफोर दे बिकम इकोनॉमिकली रिच, पॉइंटिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू हार्नेस एंड मोनेटाइज देयर ऑन डेटा rather than intermediary big tech platforms doing so as it happened in the rest of the world. तो अच्छी बात है कि हमारे लोगों को आज की डेट में जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपकी बहुत खुल रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो एड्स प्लेस करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस कदर लोग अवेयर हो रहे हैं आज की डेट में अपने डेटा को लेके, तो ये दिखाता है कि मतलब पूरी दुनिया में जो गलती उनकी खुद की पॉपुलेशन ने की कि इंटरमीडियरीज ने उनके डेटा को कंट्रोल किया और पैसे बनाए, इंडिया के अंदर लोग अपने डेटा को खुद कंट्रोल करें डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से और अपने डेटा को खुद ही माइन करें और खुद ही उसको मोनेटाइज करें। सो टेक फॉर एग्जांपल द ONDC इनिशिएटिव व्हिच इफ सक्सेसफुल कैन डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स रादर देन इट बीइंग इन द हैंड्स ऑफ एन अमेजॉन फ्लिपकार्ट डुओपोली। और ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में ये बात कर रहा हूँ जो इंडिया में हमने लॉन्च किया है, ई कॉमर्स के बढ़ते पोटेंशियल को देखते हुए ही हमने किया था कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ई कॉमर्स हमारा ना सिर्फ डेमोक्रेटाइज होगा पर बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करेगा। और ये जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो आपके शार्क्स हैं या अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे, ये फिर हमारे भारतीय लोगों का डेटा एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। सो इंडियन अप्रोच टू रेगुलेटिंग डेटा इज थ्री प्रॉन्ग्ड। The much amended data protection bill which has been considerably watered down, the forthcoming telecom bill and the digital India act to replace its IT act. ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि तीन चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। एक तो हमारा data protection bill है, फिर एक telecom bill है और एक digital India act है जो हमारे पुराने IT act को replace करके आ रहा है। No law, not even the much lauded ADPPA, जो अमेरिका में आप लेके आए, ना ही वो परफेक्ट है एंड नॉट एवरी वन विल बी हैप्पी विद द सेट ऑफ डेटा लॉज इन इंडिया। सो वट एवर फॉर्म एंड शेप इट टेक्स, अ फ्यू आउटकम्स आर डेफिनेट। और पहला, द एरा ऑफ फ्री डेटा इज ओवर एंड बिग टेक कंपनीज विच बिल्ट ट्रिलियन डॉलर बिजनेसेस आउट ऑफ इट विल हैव टू ट्वीक देयर बिजनेस मॉडल्स। जैसे कि फेसबुक में आप लगा लीजिए जो मल्टी बिलियन डॉलर जिन्होंने हिट जो है वो सफ़र किया क्योंकि एप्पल ने अपना प्रिवेसी कोड जब लिखा तो फिर फेसबुक का डेटा मिलना बंद हो गया, तो उन्होंने भी फिर अपने बिजनेस को खैर बदला। यही फ्यूचर है कि आने वाले समय में जब फ्री डेटा का दौर है दैट इज़ कम्प्लीटली ओवर, लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, खुद माइन करेंगे, उसको मोनेटाइज भी खुद करेंगे। दूसरा ये कि देर विल बी अ पैच वर्क ऑफ लॉज अक्रॉस द ग्लोब एंड मल्टी नेशनल कंपनीज डीलिंग विद डेटा विल फाइंड इट वेरी कंबरसम टू वर्क अक्रॉस ऑल ऑफ देम। तो आप समझ सकते हो कि वो किधर लेके जाना चाह रहे हैं कि पूरे दुनिया में धीरे धीरे आप ऐसा ट्रेंड भी देखोगे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक डेटा रेगुलेशन आपकी बनेगी जो हर कंट्री को एक जैसे यूनिफॉर्म लॉ से गवर्न करेगी। सो देयरफॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अ कंट्रीज लॉ इज, इट इज़ वेरी लाइकली दैट द स्ट्रिक्टेस्ट विल बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम एंड GDPR माइट बिकम दैट। हो सकता है कि आने वाले समय मतलब यूरोप इसको लीड करे, ये तो वैसे बात बता रहे हैं, आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए कि मतलब यूरोपियन यूनियन के GDPR ही वो होंगे। ये तो वैसे बता रहे हैं कि जो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉज हैं वो लागू सब पे होंगे और हो सकता है कि GDPR के कुछ लॉज ही उसमें से लिए जाएं। और तीसरा ये कि सम लॉ इज़ बेटर देन नो लॉ एंड वी होप टू हैव मोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन देन बिफोर। और हर बार मैंने कहा है कुछ ना से तो देखिए कुछ बेटर ही है। So however, it will continue to be an arms race with governments playing whack-a-mole with data entities, trying to stamp out new ways to beat new regulations as newer AI-driven technologies like ChatGPT come in with their own data conundrums. तो जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज जब अपने आप को
रिवाइव करती हैं, तो फिर सरकारों को भी कहते ये जो नए नए आपके रेगुलेशंस आते चले जाएंगे उनको मॉडिफाई करके धीरे धीरे, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आज आप एक लॉ लेके आए तो वो परफेक्ट क्यों नहीं, नहीं, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे देखिए चीज़ें चलती हैं। आज अगर आप डेटा प्राइवेसी गाइडलाइंस को बनाओगे, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो हो सकता है कंपनीज़ उनको एक्सप्लॉइट करेंगी, फिर सरकार उनसे सीखेगी, फिर उनको अमेंड करके नए लॉज लेके आएगी। यही प्रोसेस है आपके सो कॉल्ड बेटरमेंट का। पर ओवरऑल एक बात जो आपको समझनी है इस आर्टिकल के थ्रू वो ये है, GS3 की जो एक क्लासिक बात है कि भैया फ्री डेटा का जो दौर है दैट इज़ कम्प्लीटली ओवर। लोग जो हैं वो डेटा को ना सिर्फ डेमोक्रेटाइज करके अपना हक जताएंगे पर डिसेंट्रलाइज भी होगा, लोग अपनी पॉलिसीज को खुद बनाएंगे, अपना डेटा खुद जनरेट करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, ऑलरेडी हो रहा है और भी करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं आपको वो इनेबल करनी पड़ेंगी, जैसे सबसे पहले अवेयरनेस है और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन है जो कि आ रही है, तीन तीन बिल्स वो लेके आ रहे हैं, टेलीकॉम बिल है, एक हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है, एक हमारा डिजिटल इंडिया एक्ट है जो IT एक्ट को रिप्लेस करके आ रहा है। नया दौर है, नए कनंड्रम्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए चैलेंजेस हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होनी चाहिए और उनके लिए जो रेगुलेशन का स्कोप है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल के अंदर। आई होप यू हैव लाइक द आर्टिकल गाइज, इट्स अ ब्रिलियंट आर्टिकल वी हैव। सो एज यूजुअल गाइज, आप जानते हैं इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब अगर अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड हम रेगुलर वीडियोज़ आपको ऐसे इन्फॉर्मेशनल एडुकेशनली वाइज हम देते रहते हैं वो आप जानते हैं। सो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, सबसे ज़रूरी है। अगर हम एंगेज करते रहेंगे गाइज वो ज़्यादा बेटर है, जो भी व्यूअर्स सुनते हैं या जो भी लिसनर हैं तो आप ज़रूर एंगेज कीजिए, कोई ना कोई फीडबैक, कोई ना कोई बात या कोई ना कोई डिस्कशन अगर आप इनेबल करेंगे तो यही सबसे बड़ी बात है। डिस्कशन शुरू होगी, आप कमेंट कीजिए, हम उसका कुछ आंसर करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ होगा, यही देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एडुकेशन के अंदर, विजडम के अंदर। और टू वे कॉन्वर्सेशन अगर देखिए बनी रहती है तो वो वैसे भी ज़्यादा अच्छा है। तो शॉर्ट्स वगैरह हम जैसे डालते रहते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप ज़रूर इंगेज कीजिए। कोई भी ऐसा देखिए आप कमेंट, फीडबैक जो भी आप दोगे यार, कोई एनालिसिस में कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए विचार मिलते नहीं मिलते वो बिल्कुल अलग चीज़ है, आप उनकी परवाह मत कीजिए ना। देखिए हमें कुछ ज़्यादा उस चीज़ से होता है, ये एडुकेशन का मतलब ही देखिए ओपिनियन फॉर्मेशन का होता है। आपके कुछ और ओपिनियन हैं, हमारे कुछ और ओपिनियन हैं, पर कुछ बातें तो ऐसी हैं ना जिन पे आप कन्वर्ज कर सकते हैं। तो वो जो एक मिडल ग्राउंड है, वो जो एक बैलेंस है, वो जो एक कन्वर्जेंस है, वो जो एक कॉन्फ्लुएंस है जिसके बारे में मेन चीज़ होती है, तो वो एटलीस्ट अगर हम बना पाएँ तो बहुत बेटर है। तो हमारा मेन पर्पज़ आपको इन वीडियोज़ का देने का यही होता है, सो दैट कि आप एडुकेशनली वाइज गाइज खुद को इनेबल फील करें, खुद को एक कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो ज़्यादा बेटर है कि मतलब अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो अगर आप एक फीडबैक शेयर कर दोगे गाइस, सो वी लाइक दैट, वी रियली फील हैप्पी विद दैट। सो ये चीज़ है। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड विल सी यू इन द अनदर वीडियो, टेक केयर। अरे ये क्या कर दिया।